23 सितंबर को प्रारंभ हुई पिछले वर्ष, उस आयुष्मान योजना का एक वर्ष अभी 23 सितंबर को पूरा हो रहा है। ये हमारे भारत की ही नहीं अपितु शायद पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक प्रभावी महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पूरी तरह से होलिस्टिक योजना है ये दोनों मिला के, जो देश को प्रभावी ढंग से आने वाले वर्षों में पूरी तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेजी से लेकर बढ़ रही है। अभी 23 सितंबर को हम लोग सारे देश में एक वर्ष का सेलिब्रेशन भी करेंगे, लेकिन अभी 15 तारीख से सारे देश भर में एक फोर्टनाइट यानी आयुष्मान पखवाड़ा करके जितने भी इसमें हेल्थ के वर्कर्स जुड़े हैं, अस्पताल जुड़े हैं, जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, एनजीओज जुड़े हैं, सरकार के अधिकारी जुड़े हैं, उन सब लोगों ने मिलकर 15 तारीख से देश भर में इस पखवाड़े को लॉन्च किया। मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं स्वयं 15 तारीख को कर्नाटक के एक गांव में कोलार में था और वहां पर मुझे इस पखवाड़े के तहत जो सारे देश भर में नॉर्थ ईस्ट में भी दूर दूराज के इलाकों तक, जब मैं लद्दाख में जहाँ जहाँ से भी हमारे पास खबरें आई और स्टेट्स ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कहीं पर किसी ने वॉकथॉन किया, कहीं किसी ने मैराथन किया, कहीं किसी ने प्रभात फेरी की, कहीं किसी ने अपने अपने तरीके से सबने कार्यक्रम किए, सुंदर बैनर्स बनाए, स्कूल के बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, सभी ने, आशा वर्कर्स ने, सारे देश के अंदर इस पखवाड़े की बहुत उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन हुआ।